जी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। महाराष्ट्र के गोंदिया से महिलाओं ने एम्ब्रॉयडरी कारीगरी शिविर में दिखाया भारी उत्साह। स्थानीय फुलचूर ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में श्री गणेश ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था गोंदिया द्वारा संचालित श्री गणेश एम्ब्रॉयडरी एवं स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से महिलाओं के लिए एम्ब्रॉयडरी कारीगरी प्रशिक्षण शिविर व महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जय जगत अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक जिलाकार हेरिस कनाडा के हस्ते अंतर्राष्ट्रीय गांधी विचारक व प्रसिद्ध चिंतक राजगोपाल पीवी की अध्यक्षता में किया गया, जबकि प्रमुख अतिथि के रूप में गणेश ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था के सचिव विजय भाईकार, सत्य प्रकाश मेहरा, रामचंद्र चंद्राकार, रामकृष्ण चौधरी, श्रीमती स्नेहा गौतम, ग्राम पंचायत सदस्य सुभानराव रांगडाले, सेवा सहकारी संस्था अध्यक्ष अशोक चन्ने, महात्मा गांधी विवाद मुक्त समिति अध्यक्ष पंकज बादल साहस, एसोसिएट एंड एकंद इंटरप्राइजेस कंपनी वर्धा, सागर काकड़े कंपनी के मालिक वर्धा, कल्पना विजय बहकार, डॉक्टर सत्यप्रकाश और वैशाली भाडारकर आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के हस्ते महापुरुषों के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए विजय बहकार ने कहा कि हमारी कंपनी महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही। और भी आगे क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। दादा दादी नानी ये करते थे So, ये बहुत सुंदर ये एम्ब्रॉयडरी देते आपका बच्चे सो ज्ञान आपका मान में है ना। सो जस्ट मेरा बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत खुशी हम आपके साथ है। हमारा सपना ये गोंदिया एम्ब्रॉयडरी थोड़ा आगे जाते हैं, ये बहुत अच्छा। पूरी दुनिया देख रहे, पूरी दुनिया का नजर आपके ऊपर टिकी है कि गरीबी की समस्या हो, नशे की समस्या हो, पर्यावरण की समस्या हो, हर समस्या का निराकरण महिलाएं करेंगे ऐसा लोग मान रहे हैं। तो आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं सिर्फ अपने समस्या का निराकरण करने के लिए नहीं, अपने गरीबी को तो दूर करना ही है, अपने आमदनी को बढ़ाना ही है, दो गुना चौगुना करना ही है, लेकिन हम सब मिलके दुनिया की समस्या का भी हल करने के बारे में सोचेंगे। सिर्फ हजार लोगों की समस्या की बात नहीं, और भी हजारों लोग बाहर हैं, उनकी समस्या का भी निराकरण करना है। तो एक महिला केंद्रित सोच, महिलाओं के ताकत से परिवार से लेके दुनिया तक समस्याओं को हल करने का एक सोच लेके आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई ऐसे एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में आपके साथ बैठने का, आप सबकी बात सुनने का मौका मिला, और इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कंपनी है, ये जो काम है, ये फूलेंगे फलेंगे और पूरी दुनिया को, जैसे जिल दीदी ने कहा कि पूरी दुनिया को रोशनी देंगे। आपके काम को देख के और हजार महिला इकट्ठे होंगे, फिर 1,000 महिला इकट्ठे होंगे। और इसे एक महिला केंद्रित समझ के साथ महिलाओं की ताकत से एक नई दुनिया का निर्माण करने में हमें सफलता मिलेगा, ऐसे उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। के टाइम में सारे गाँव में जहाँ पे आमदनी की एक मजबूरी हो गई थी, आय नहीं मिल रही थी, वो गांव इतने संभ्रांत हो चुके थे कि उन्होंने और बाहर के लोगों को इनवाइट किया कि अगर नहीं मिल रहा है जगह तो आप हमारे गांव में आइए। और उन्होंने जितना कमाई किया कोरोना काल में, अभी चूंकि मुझे पता नहीं था कि अदरवाइज आपको यहाँ पे शो से बताते पूरा वो कहूं कि आने वाले समय में शायद आपकी भी कंपनी इतनी बड़ी हो कि जगत में पूरे वर्ल्ड में आपकी यहाँ की बनी कलाकृतियों का एक नाम हो और उनकी डिमांड हो। धन्यवादों को बंधक उठाने के लिए बंद करने की कोशिश की, जो आदिवासी लोग बंदूक उठाते हैं और हमारी पुलिस को मारते हैं और हमारे पुलिस उनको मारते हैं, उनको बंदूक उठाने से मना किया और शांति के माध्यम से विश्व का कैसा कल्याण हो। अभी जो युद्ध चल रहे, इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है, उधर रशिया और युद्ध चल रहा है, ये युद्ध कैसे रुके। हम बात करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा निकले,
अच्छा बच्चा कैसे तैयार होगा। तो जब वो गांधी जी के विचारों का पालन करेगा तभी हमारा बच्चा अच्छा तैयार हो सकता है, नहीं तो बंदूक उठाएगा। तो बंदूक उठाएगा तो उसका अंत क्या होगा? हम सबने उसका चिंतन करना चाहिए। अधिकार दिलाया, आदिवासियों को रोजगार दिलाया, उनको जमीन के पट्टे दिलाए, अलग अलग माध्यम से उनको रोजगार दिया। तो आपको भी यह कार्यक्रम करने का उद्देश्य, यह जो हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, इस कंपनी के बनाने का उद्देश्य यही है कि आम की इनकम दुगनी हो। मैक्सिमम गोंदिया जिले की हम बात करते हैं तो गोंदिया जिले में 2 लाख लोगों के करीब लोग थे जो बीड़ी का व्यवसाय करते थे। उनका घर का उद्योग था बीड़ी बनाना, वो छीन गया। तो आप लोगों ने क्या उद्योग शुरू किया? थैले बुनना। अभी सब लोग क्या थैले बुनना का काम करते हैं ना? कौन कौन सा काम करते हैं आप लोग? चाह रहे आपका ग्रुप बनाना चाह रहे, आपकी कंपनी बना, हम एक साल से आपके पीछे घूम रहे हैं मैडम जो है। तो आप सब लोग ध्यान से सुने, क्योंकि आपके पास जो हस्ती बैठी है कैनेडा से आए, विश्व शांति दूत आपके पास है, इनका पूरा अनुभव जिंदगी का, ये जिंदगी का अनुभव गांधी के वाद को लेकर निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं ये आपको बताएंगे कि कैसी जिंदगी जी जाती है। दर्शन किया और इनको के लिए गांधी जी विचारों के लिए शांति और अहिंसा के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा दिया। भारत को नारे को लेकर विश्व कल्याण के लिए पूरे विश्व में घूम रहे हैं। ऐसे महान विभूतियां हैं। जय जगत का आपने गाना गीत गाया, जय जगत के गीत में क्या क्या बातें आई।